नवी मुंबई एयरपोर्ट का काम बदस्तूर जारी है, जिसके लिए सिडको ने कई गांवों को विस्थापित किए, कई मंदिरों को भी हटाया गया। विवाद को तूल न देते हुए सिडको के तरफ से मंदिर बांध कर देने की बात की गई, जिसे ग्रामीणों ने सहर्ष स्वीकार भी किया, लेकिन मामला अब बुद्धकालीन लेनी को लेकर उलझता नजर आ रहा है। यही वजह है कि लेनी को जमनदोष की खबर पर अब राज्य मंत्री रामदास अठावले भी कूद पड़े हैं। हकीकत जानने रामदास अठावले नवी मुंबई स्थित वागेवली गांव पहुंचे। इस अवसर पर जब उनसे बात की गई, तब उन्होंने अपना मनसा व्यक्त करते हुए साफ कहे कि मेरा विरोध एयरपोर्ट को लेकर नहीं है, लेकिन जिस तरह से लेनी को तोड़ा गया है, उसके लिए वह संबंधित विभाग को पत्र देंगे। आपको बता दें कि लेनी तोड़े जाने के बदले 100 एकड़ जमीन की मांग की गई है। आप भी सुने राज्य मंत्री रामदास अठावले ने क्या कहे। आज जो आप नवी मुंबई उलवे नोड में आए हैं, आप यहाँ पर क्या देखे और किस बात का विरोध है आपका? हमारा विरोध नहीं है, हमारा सूचना है कि भाई यहाँ जो 7-8 हज़ार एकड़ जमीन जो इंटरनेशनल जो अपना एयरपोर्ट इधर आ रहा है जी, यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलने वाला है, यहाँ के लोगों को सुविधा भी उपलब्ध होने वाली है जी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ जो बुद्ध लेनी यहाँ मिली है जी, यहाँ बुद्ध लेनी थी और जब यहाँ उसका गठन हुआ तो बुद्ध लेनी के अवशेष उनको मिले हैं। तो हम सिडको को और महाराष्ट्र सरकार को हमारा कहना है कि ये जो बुद्ध की लेनी के जो अवशेष मिले, मतलब जो मूर्तियाँ में मिली है, जो अवशेष मिले हैं, उसका जतन करने की आवश्यकता है और उसके लिए कुछ जगह देकर और वहाँ इसका जतन होना चाहिए। या एयरपोर्ट के लिए हमारा बिल्कुल विरोध नहीं है, लेकिन इसका जतन करने की जिम्मेदारी सरकार की है। मैं भारत सरकार से बात करने वाला हूँ और पुरातत्व डिपार्टमेंट भारत सरकार के अंतर्गत आता है, तो पुरातत्व डिपार्टमेंट में भी इसमें इंटरफेयर करना चाहिए और उस जो लेनी है इसका जतन अलग जगह पर करना चाहिए। लेकिन देखा ये जा रहा है सर, जिस तरह से सिडको ने इस लेनी को जमींदोज कर दिया है, अब पुरातत्व विभाग जो है यहाँ पर क्या चेक करेंगे? आपको कुछ देर हो गई, ऐसे नहीं लग रहा है? नहीं, देर का विषय नहीं है, जब हमको मालूम हुआ तब से हम इसके संपर्क में, मेरे कार्यकर्ता इसके संपर्क में है। ओके। और मैं इधर आया, इसके लिए देर हो गई ठीक है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता मतलब इसके संबंध में हमेशा अपनी भूमिका लेकर, यहाँ लेने की लेने का जतन होना चाहिए, इसी तरह की भूमिका पार्टी के लोगों की थी और इसीलिए मुझे लगता है कि यही हमारी मांग है कि हमारा एयरपोर्ट को विरोध नहीं है, एयरपोर्ट तो होना ही चाहिए, लेकिन जो बौद्ध लेनी जो है इसका जतन करने की आवश्यकता है और उसके लिए अलग जगह देकर एक उसके लिए एक पुरातत्व डिपार्टमेंट का एक वास्तु इधर खड़ी होनी चाहिए और उसमें मतलब इसका जतन होना चाहिए। फिलहाल देखना होगा कि सिडको इस नए विवाद को किस तरह से सुलझाती है। बुद्धकालीन लेनी की चिंगारी अगर नहीं सुलझाया गया तो वह एक नए विवाद को जन्म देगी। फिलहाल आने वाले समय में इसकी तस्वीर साफ होगी कि सिडको ने इस मसले को किस तरह से सुलझाया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं फिलहाल इस वक्त उलवे नोड में खड़ा हूँ और उलवे नोड में आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक मंदिर नुमा जगह है जिसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है, जिसकी वजह है कि एयरपोर्ट का काम हो रहा है और एयरपोर्ट के काम करने की वजह से यहाँ के जितने मंदिर मस्जिद हैं इस इलाके के, उन्हें ध्वस्त कर दिया गया है सिडको की तरफ से और उन्हें जगह भी दिया हुआ है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये आस्था का केंद्र है जिसको यहाँ पर जमींदोज कर दिया गया है और यही वजह है कि आज केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी आ रहे हैं, उनसे देखना होगा कि वो इस विषय पर क्या कहते हैं। हालांकि आप देख सकते हैं यहाँ जो एयरपोर्ट का काम हो रहा है और रामदास अठावले जी जो यहाँ आने वाले हैं उनके सुरक्षा के कितने इंतजाम किए हैं, ये तमाम आप जो इलाका देख रहे हैं ये पूरा एयरपोर्ट का काम हो रहा है। ये जो पूरा मैदानी जगह आपको दिख रही है ये एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है और यहीं पर एयरपोर्ट भी बनना है और इसी एयरपोर्ट से जुड़ा हुआ ये पुराना, जिसे बुद्ध की लेनी बताई जा रही है, कोई मंदिर बता रहा है। अब देखना ये होगा कि रामदास अठावले जी के आने के बाद इसका क्या हल निकल कर आता है और वाकई क्या सिडको जो मंदिर को जमींदोज कर दिया गया है उसको जगह देती है या फिर से उसी रूप में छोड़ देती है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन रोशन एडके के साथ मैं गोपाल शाह, नवी मुंबई।